हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई स्पीकर के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पीकर वगैरह के बारे में बताऊंगा, कंपोनेंट नहीं दिखाऊंगा। कंपोनेंट की ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सब बूफर के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल के बारे में बताऊँगा, और अगर आपको पूरी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने मेन इंट्रो से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर की, ये है JBL के ओरिजिनल स्पीकर, जो कि जल्दी मिलते नहीं हैं। आप गूगल कर लेना, गूगल आप कर लेना JBL के 20 वॉट के स्पीकर, अगर आपको मिल जाए इस कलर में और इस क्वालिटी में तो आप मुझे बता देना। आपको मिलेंगे नहीं, पहली बात तो ये बहुत रेयर आइटम है, बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं आपको बताऊँ, ये 20 वॉट का ज़रूर है, लेकिन इसका आउटपुट 50 वॉट से ऊपर का है। बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है, किसी वीडियो में मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। हो सकता है, क्या पता इसके बाद वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाए इसकी साउंड क्वालिटी। तो मैं एक बेसिक एम्पलीफायर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आपको JBL के स्पीकर के जो साउंड क्वालिटी है वो आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। ये सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल में सिर्फ मेरे पास वन पेयर ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो स्पीकर है, ये हमारे पास है 10 वाट के स्पीकर हैं। इसमें 5 वाट का भी आता है, लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये स्पीकर है कि बूफर है कि सब बूफर है। तो मैं आपको बता दूं, ये है बूफर, ठीक है। स्पीकर बूफर सब बूफर में जो फ़र्क होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से स्पीकर बूफर सब बूफर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हैं 10 वाट के। अब ज़रूरी नहीं है, अब क्या है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लिखा तो है नहीं 10 वाट। तो मैं आपको बताऊँ, लिखा तो 50 वाट वाले स्पीकर पर भी नहीं होता है, लेकिन वो होता है 50 वाट का। मैं कोई डिटेल वीडियो बता दूंगा आपको कि मैग्नेट के साइज से बिल्कुल पता नहीं करना चाहिए कि भाई ये 50 वाट का स्पीकर है या 10 वाट का स्पीकर है या 10 वाट का सबवूफर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का भी फर्क होता है, तो वो सब आपको मैं बाकी डिटेल में बता दूंगा। ये हमारे पास स्पीकर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो स्पीकर है, ये एक स्पीकर है, मैं आपको बताऊं, ये बूफर नहीं है, सबवूफर नहीं, ये एक स्पीकर है। और स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, राउंड शेप में आपको मिल जाएगा, 10 वॉट में है, बहुत हैवी में है। साइज अगर मैं उसका वेट बताऊं तो आपको लगभग 150-160 ग्राम का है ये सिर्फ एक स्पीकर। प्राइस की बात करें तो ये लगभग 90 से 95 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको परचेस करते हो ना, एक बार आप परचेस कर लोगे, आप दोबारा ऑर्डर करोगे हमारे पास से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट या स्पीकर वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो आप। लेकिन हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। पेमेंट करने के 6 से 10 दिन के अंदर में आपका सामान आपके घर तक मिल जाएगा और आपको ट्रैकिंग नंबर साथ में दे दिया जाएगा उसके अगले दिन। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये एक बूफर है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है ये वाले स्पीकर। मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये का मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ वन पेयर पड़ा हुआ है, ये जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है, बहुत रेयर चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी देखने को नहीं मिलती है। ये डबल मैग्नेट का है, ये लगभग 15 वाट का है, ठीक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, 10 वाट का नीचे लगा हुआ है, 5 वाट का ऊपर दो लगे पड़े, तो 15 वाट के हो गए। ये साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है, ये कॉपर वायर की लगी हुई है, प्लस डबल कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा निखर के आती है। बाकी वीडियो में मैं आपको किसी वीडियो में चेक करके दिखा दूंगा। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर हमारे पास अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप देख लेना। टीवी के स्पीकर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, सब वूफर वगैरह भी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम है, ये भी हमारे पास एक छोटे साइज़ का वूफर है। ये बहुत से लोग स्पीकर समझते हैं, लेकिन ये वूफर है, ये 5 वाट का है, ठीक है। ये 5-5 वाट के हैं, और इसमें ये 3-3 वाट के हैं, 5-5 वाट के भी आते हैं इसमें, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे पास नहीं है। तो 3-3 वाट के जो इस बूफर है वो भी आपको हमारे स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई छोटा स्पीकर वगैरह बनाना है, अगर आप बिगिनर स्टेज में हो, अगर कुछ सीख रहे हो, स्पीकर वगैरह बनाना पसंद है और सेल करना चाहते हो बना के, अपना खुद का बनाया हुआ डिज़ाइन किया हुआ, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो लगभग 135 रुपीज़ से लेकर 145 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से मिलेगा, मतलब जोड़ा मिलेगा आपको, दो पीस मिलेंगे इसमें आपको 130-140 रुपए में, ठीक। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है, ये एक काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का स्पीकर है, बहुत ज़्यादा साउंड क्वालिटी। जो बड़े बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, उनमें ट्विटर जहाँ लगा होता है ना, ट्विटर की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। मैं साउंड क्वालिटी, ये जितने मैं स्पीकर दिखा रहा हूँ रेयर वाले, ये सब का साउंड क्वालिटी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, विद लाइव प्रूफ, आप देख लेना, आपको अगर ट्रस्ट हो जाए।
ये स्पीकर तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इसके जैसा मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये स्पीकर आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, आप कमेंट करके पूछ लेना। बहुतों के मैं कमेंट के रिप्लाई कर भी देता हूँ, क्योंकि यार देखो व्हाट्सअप पे भी बहुत से लोग व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। कॉल भी बहुत से लोग करते हैं तो नंबर ही बंद कर रखा है, तो भाई कॉल ना उठा पाऊंगा मैं, कॉल नहीं उठा पाऊंगा। नेक्स्ट जो आइटम है ये भी हमारे पास, ये 3 वॉट का बूफर है ये। इसकी साउंड क्वालिटी मैं सच बताऊं ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम है। इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है ना, बहुत पतले वायर की कॉइल लगी हुई है, मतलब साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहो तो फिर भी आप ये ले सकते हो। मैं देखो जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ये भी हमारे पास मिल जाएगा आपको, लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जो बेसिक डिटेल बताना वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वीडियो बनने को तो एक एक घंटे की भी बन जाएगी, लेकिन एक घंटे की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको 1 से 1.5 मिनट में समझ में आ रही है तो वो मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। तो ये स्पीकर वगैरह आपको अगर लेना है तो सोच समझ के परचेज़ करना। नेक्स्ट जो है ये नियोडियम मैग्नेट है। नियोडियम मैग्नेट वाले जो स्पीकर होते हैं बहुत ज़्यादा साउंड क्वालिटी, आप जानते ही हो नियोडियम मैग्नेट कितना पावरफुल होता है, उसकी मैग्नेटाइज फील्ड जो मैग्नेट फील्ड जो होती है बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है, एक बार चिपक जाता है जल्दी निकल नहीं पाता वो, क्योंकि उसमें साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा निखर के आती है। आपने देखा होगा ईयरफोन वगैरह जो महंगे महंगे होते हैं उनमें नियोडियम मैग्नेट ही लगे होते हैं छोटे छोटे, कभी भी आप देख लेना नियोडियम मैग्नेट वाले जो स्पीकर होते हैं और जो नॉर्मल स्पीकर होते हैं ना मैग्नेट वाले, कंपेयर कर लेना आप, मैं आप लोगों को बता दूंगा साउंड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक। तो उसको ये 3 वॉट का है और इसका प्राइस अगर बात करें तो ये 95 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो आइटम है ये भी एक, ये है 20 वॉट का सबवूफर है, सॉरी सबवूफर नहीं है, सबवूफर जो होता है 100 वॉट से जो ऊपर का होता है ना वो होता है सबवूफर, ठीक। तो ये 100 वॉट के नीचे, मतलब ये 20 वॉट का है, तो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वीडियो में टेस्ट करके दिखाऊंगा, मैंने जितनी भी वीडियो मैं बता रहा हूँ ना आपको सब ही देखने को मिलेंगी JBL से, और जो मैंने आपको स्पीकर दिखाए ट्विटर वाले दिखाए थे और ये वाला जो है, इन सबसे मैं सबकी मैं साउंड क्वालिटी आपको चेक करके दिखाऊंगा, और हर जितने भी एम्पलीफायर है ना मेरे पास मैं सबसे टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कि किसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए कौन सा नहीं परचेस करना चाहिए, क्यों परचेस करना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको, ठीक। बाकी इसके अलावा और कोई कंपोनेंट परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है वहाँ जाकर चेकआउट कर लो, प्राइस चेकआउट कर लो, दूसरी वेबसाइट से कंपेयर करना चाहते हो आप कंपेयर कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको 2-4-10 रुपये सस्ता ही पड़ेगा, ठीक। डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब आपको पता ही है, जैसे ही आप लोग हमसे कांटेक्ट करोगे आपको एक मैसेज मिलेगा, वहाँ जाके आप देखोगे ना उसमें सारी डिटेल दे रखी है, ट्रैकिंग नंबर कब मिलेगा आपको, ऑर्डर कब का कैसे करना है, कितने दिन में ऑर्डर आपको मिलेगा, कौन सी कूरियर सर्विस से हम लोग भेज रहे हैं, सब सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं फेक है भैया हम कैसे ऑर्डर करें, पेमेंट करते हैं तो हमारा ऑर्डर नहीं आया, तो भाई 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आपके 100-200-500 रुपये से हमारा कुछ नहीं होएगा। अगर आपके मन में है तो डाउट पहले क्लियर कर लो, उसके बाद ही ऑर्डर करना। नेक्स्ट जो है ये 10 वाट का स्पीकर है, सॉरी बूफर है, मैं बार बार स्पीकर बोल रहा हूँ, स्पीकर भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये है बूफर, ठीक है। तो यहाँ पे मून वॉइस ब्रांड का है, ये भी हमारे पास मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा हमारे पास 20 वाट 50 वाट वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये भी इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये लगभग आपको 110-120 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक। 20 वाट का भी लगभग सेम ही प्राइस है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक डबल मैग्नेट का बूफर है, 20 वाट का है, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये जल्दी देखने को मिलता नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में मेरे पास स्टॉक आउट हो रखा है, 2-3 पीस पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, ये भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। इसकी साउंड क्वालिटी अगर देखना चाहते हो कमेंट करके बताना आप लोग, मैं साउंड क्वालिटी आपको चेक करके इसकी वीडियो बना के आपको आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की ओर। तो ये कोई स्पीकर नहीं है, ये एक बूफर है, 50 वाट का मैग्नेट देख सकते हो आप लोग, मून वॉइस ब्रांड का है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2022 में बना हुआ है, ठीक है। 4 ओम 8 ओम दोनों पे वर्क कर जाता है, 50 वाट 4 ओम पे भी मिल जाएगा, प्लस माइनस सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और साउंड क्वालिटी तो बहुत ही भैया लाजवाब है, अगर आप 20-30-44-40 या कोई भी अदर 2.1 या 5.1 का बोर्ड यूज़ करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत से यूट्यूबर ने यूज़ करा हुआ है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो बहुत से लोगों ने आप सर्च करना कि ब्लूटूथ एम्पलीफायर कैसे बनाया, तो वहाँ आपको वीडियो जो पॉपुलर क्रिएटर होंगे यूट्यूब के वो उन्होंने बनाया हुआ है इस बूफर से, ठीक है। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, सजेस्ट मैंने कर दिया आपको। प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 200-250 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेसिक नॉलेज ही थी, मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गुड बाय। लेकिन एक चीज़ और, ऑर्डर ज़रूर करना अगर ट्रस्ट हो जाए, ट्रस्ट नहीं हो रहा तो पहले ट्रस्ट करना सीखो उसके बाद आप ऑर्डर करना। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना।